पहले अहम खबर देखिए, भारत और जापान की डील से घबरा गया है चीन। भारत जापान की डील से चीन घबराया हुआ है। भारत जापान की सेना एयरबेस का इस्तेमाल करेंगी। दोनों देशों के बीच में एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल करने को लेकर समझ बन गई है। भारत ने ऐसे समझौते कई और देशों के साथ भी किए हैं। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के साथ यह समझौता हो चुका है और जापान भी अब इसमें शामिल हो गया है, जिसमें एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हो सकता है। और अब इस खबर के मद्देनजर आप ये देखिए कि क्या कहना है जापान के उन कद्दावर मंत्री का जो आने वाले दिनों में वहां के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उन्होंने ये कहा है कि जापान को साथ में आना पड़ेगा, भारत को साथ में आना पड़ेगा और एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाना पड़ेगा। जापान पर जिनपिंग का जाल उसको ये कहने के लिए मजबूर कर रहा है, भारत मारेगा, करेगा बुरा हाल। कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूं। क्या कहा गया है वो समझने की कोशिश कीजिए। पहले मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ कई द्वीपों को लेकर चीन का झगड़ा चल रहा है। उन्हीं में से एक है सेनकाकू, जिसके बारे में ये कहा जाता है चीन की तरफ से कि ये तो उसका हिस्सा है, लेकिन जापान ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि नहीं, ये हमारा ही द्वीप है। वो चल रहा है झगड़ा। इधर आप देखिए किस तरीके से एयर डिफेंस जोन्स में घुसपैठ की जा रही है। सेनकाकू आइलैंड की पोजीशन में आपको दिखा रहा हूं, यह है सेनकाकू आइलैंड। ताइवान के साथ आप बढ़ते तनाव के मद्देनजर आप समझ ही रहे हैं कि उसकी पोजीशन क्या है, लेकिन इस आइलैंड को लेकर जापान और चीन के बीच में ठनी हुई है। एक दूसरे के एयर डिफेंस जोन में अंदर सेन लगा लेना, कई बार पेट्रोल करते हुए बोट्स का वहां तक चले जाना जहां पर जाकर जापान यह समझता है कि उसकी संप्रभुता पर हमला करने के लिए चीन कैसे सामने आ रहा है। और यह सब देखते हुए और जापान ने यह कहा है कि भारत को अब साथ में आना चाहिए जापान के, और एक मजबूत क्षेत्रीय संगठन बल्कि वैश्विक संगठन बनना चाहिए जो चीन की इस दादागिरी पर लगाम लगाए। ये जाहिर है, जिस तरीके से ताइवान ने कहा कि तमाम संप्रभु देशों को एक साथ साथ में आना चाहिए और अपनी स्वतंत्रता और चीन के विस्तारवाद के खिलाफ एक आवाज उठानी चाहिए, लगभग उसी तरीके की बातें, लेकिन दूसरे शब्दों में जापान ने कहा है। और इस खबर के मद्देनजर कि अब दोनों के बीच में एक समझौता भी हुआ है जिसमें भारत के विदेश सचिव और जापान के जो हिंदुस्तान में दूत हैं उनके बीच में यह समझौता हुआ है कि एक दूसरे के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल भी हो सकेगा। यह कितनी महत्वपूर्ण खबर है। क्वाड पहले से है, जानते हैं आप किस तरह के संगठनों का वजूद अब और बढ़ने लगा है, लेकिन अब जापान और भारत के बीच में ये बढ़ते कदम क्या दिखा रहे हैं, ये जरा एक्सपर्ट से समझने के लिए चलते हैं।